हेलो फ्रेंड्स, गोला खाना किसको नहीं पसंद है भाई। मुझे तो बहुत ही पसंद है। और ऐसा मलाई आइस गोला अगर घर पे बन जाता हो ना तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पे ये सारी सामग्री आपको एक ही बार लेनी होगी, उसके बाद कई बार आप गोला बना पाओगे। तो ये रेसिपी आप अच्छे से जान लीजिए। 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको अच्छे से हम लम्स नहीं रहे ऐसे मिला देंगे। इसके बदले आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो। इसको रख देते हैं साइड पे। और यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको हम गर्म कर देंगे गैस के ऊपर। इसके अंदर हम जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उससे ही 6 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे। इसके बाद चीनी जब तक मेल्ट होती है ना और दूध थोड़ा सा गर्म होता है, तब तक हम इसको 1 से 2 मिनट उबाल लेंगे। तो चीनी मेल्ट हो गई है। अभी जो हमने मिश्रण बनाया था ना कस्टर्ड पाउडर का, वो मिश्रण हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा डालते जाएंगे 1-2 चम्मच, और दूध को मिलाते जाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर जो है वो तले पे बैठ नहीं जाए। अभी ये मिश्रण को हमें 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम से लो फ्लेम के बीच में रख के चलाना है, जब तक हमारा दूध जो है वो थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। कस्टर्ड पाउडर है तो दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। 4.5 मिनट हुई है और हमारा दूध एकदम गाढ़ा हो गया है क्योंकि अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला है। तो इसको गैस कर देते हैं बंद, और ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसको अभी रूम टेम्परेचर में आने देते हैं, उसके बाद एक बर्तन में भर लेते हैं और इसको 3 से 4 घंटे हम फ्रिज में रख देंगे या फिर ये ठंडा हो जाए तब तक। और आपको जल्दी है ना तो आप 15 से 20 मिनट फ्रीज़र में रख दीजिए, तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये हमारी गोला के लिए रबड़ी या फिर मलाई बोल सकते हो आप, तैयार हो गई है। यहाँ पे गोला मेकर है मेरे पास, तो ये मेरा 350 का आया था। इसकी प्लास्टिक ठीक है, ओके ओके है, पर 4 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ इसको, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है। और मैंने कितने सारे गोले इसमें बनाए हैं 4 साल में। तो ये 325 से 700 रुपये तक का आता है। मैं अच्छा गोले मेकर की, मेरा वाला गोले मेकर की मैं लिंक दे दूंगी आपको, आप परचेज कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसके साथ 3 बॉल आते हैं, उसको पानी डाल के हमें इसमें आइस जमाना होता है वही शेप में। अभी इसको अंदर मैंने जैसे डाला गोला मेकर में, उस तरह से आप उस अंदर से आइस निकाल के फिर गोला मेकर में डाल दीजिए और इसको अच्छे से ऊपर से बंद कर दीजिए। और ऐसे घुमाएंगे तो नीचे अच्छे से क्रश आइस आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक बॉल में क्रश आइस हो गई है रेडी। इसको हम एक प्लेट में सजा देते हैं। तो हमारा गोला का जो माउंटेन है वो बन के तैयार हो गया है। अभी इसको हम ढेर सारा सजाएंगे दुल्हन की तरह। तो जो हमने रबड़ी बनाई थी ना, 2 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर डाल देंगे। रबड़ी एकदम गाढ़ी हो गई है और एकदम चील हो गई है। गोला के लिए आप सिरप घर पे भी बना सकते हो, पर मैं बाहर से ही बॉटल लेके आई हूँ, मैप्रो की है। पर आप माला की लीजिए, वो बहुत ही अच्छी आती है। तो स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने डाला है इसके ऊपर। इसके बाद ऑरेंज सिरप, इसके बाद रोज सिरप। आप अपने मनपसंद फ्लेवर डाल सकते हैं, एक या दो फ्लेवर का भी बना सकते हो। ये है मेरे पास बटर स्कॉच सिरप, ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप जरूर से लेके आइए। थोड़ा सा काला खट्टा, थोड़ा सा कच्चा मैंगो, ये फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। और वेनिला आइसक्रीम का एक स्कूप डाला है। जीएमएस पाउडर से वेनिला आइसक्रीम कैसे 1/2 लीटर से 2.5 से 3 लीटर बने, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मिक्स ड्राई फ्रूट मैंने डाला है काजू बादाम और पिस्ता। यहाँ पे थोड़ी चोको चिप्स डालती हूँ, रेड टूटी फ्रूटी, ग्रीन टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी भी घर पे कैसे बनाएं वो वीडियो है मेरी चैनल पे। यहाँ पे दूध का खोया जो आता है थोड़ा सा क्रश करके मैंने डाला है।
आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी किशमिश और मिल्की चॉकलेट जो आती है उसका कंपाउंड ही मैंने लिया है, वो क्रश करके डालती हूँ। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है गोले में। अभी हम वापस से वो ही सारे सिरप थोड़े थोड़े डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा कलरफुल गोला बनके तैयार है और ऊपर लास्ट में चेरी लगा देंगे और लास्ट में थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे। वापस से थोड़ी टूटी फ्रूटी डालेंगे और यहाँ पे मैंने वॉफी का जो स्ट्रॉबेरी स्टिक आती है वो रखी है। तो गोला हमारा बनके तैयार है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। फ्रेंड्स आप ये गोला बहार कितने रुपीस में खाते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। बाय बाय।